तारीख 25 अगस्त 2021, जगह दिल्ली के नरेला का बवाना इलाका, वक्त दोपहर 3:28। हाथ में एक पैकेट थामे ये महिला अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी पीछे से चेहरे पर मास्क लगाए एक बदमाश आया और महिला से इस पैकेट को छीनने की कोशिश की। चोर ने पैकेट छीनने के लिए पूरा जोर लगाया, पर महिला ने भी अपने हाथों की पकड़ पैकेट पर मजबूत कर ली थी। छीना झपटी में महिला सड़क पर गिर गई और उसने लात मारकर बदमाश को हटाने की कोशिश की। बदमाश का सिर दीवार से जा टकराया। इस बीच महिला जोर जोर से चोर चोर चिल्ला रही थी, ताकि मोहल्ले के लोग उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए आगे आए। बदमाश ने फिर पैकेट छीनने की कोशिश की, पर महिला चोर चोर चिल्लाते हुए पैकेट को मजबूती से थामे रही। बदमाश को अब लगने लगा कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, तो उसने हाथ में जो कुछ भी आया उसे लेकर भागने का फैसला कर लिया। फिर सोचा, एक कोशिश और करता हूँ, पर तब तक इस घर का गेट खुल चुका था, तो बदमाश सड़क पर गिरा महिला का पर्स लेकर ही फरार हो गया। दरअसल ये महिला बैंक से 2.5 लाख रुपए निकालकर अपने घर जा रही थी और 3 बदमाश बैंक से ही उसका पीछा कर रहे थे। महिला इस बात से बेखबर थी। 2 बदमाश बाइक पर पीछे गली में ही रुक गए, जबकि 3रा बदमाश गली के अंदर महिला से रुपयों से भरा पैकेट छीनने आया था, लेकिन बुजुर्ग होने के बावजूद महिला बदमाश से उलझ गई और 2.5 लाख रुपयों से भरा पैकेट छीनने में बदमाश कामयाब ना हो सका। 2.5 लाख रुपए में से छीना झपटी के दौरान 50,000 की गड्डी नीचे गिर गई थी और बदमाश बस उतने ही पैसे ले जा पाया। जाते जाते महिला का पर्स भी ले गया, जिसमें 7 से 8 हजार रुपए थे। इलाके में लगे CCTV कैमरे में ये वारदात रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। हर कोई महिला के साहस की तारीफ कर रहा है, पर साथ ही लोग सलाह भी दे रहे हैं कि अगर बैंक से इतनी बड़ी रकम निकाली हो तो अकेले कतई न जाएं, साथ में किसी पुरुष को जरूर ले जाएं। लोग दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कैसे बदमाशों की इतनी हिमाकत हो जाती है कि वे दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।